जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं, वह जरूर करो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं, जब आप कुछ नहीं करते थे। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है, तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जैसे हैं, बिल्कुल सही हैं। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, ठोकरे खा कर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा ही दिया। कोई आदमी चाहे लाखों चीजों को जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। मैं तो दो ही शब्दों पर जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के दो ही दरवाजे हैं। एक का नाम है प्रेम और एक का नाम ध्यान। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद आता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।